14 सितंबर 2024 परिवर्तनीय एकादशी है। अपने घर पर रहकर श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा सामने या लड्डू गोपाल विराजमान है उनके सामने या महादेव की मूर्ति प्रतिमा है तो उनके आगे आपको सरलतम तरीके से भले ही एकादशी उपवास कर सके, किसी तरह से नहीं भी कर पाते हैं तो इन सरल से कार्य को करने से आप जीवन के सभी सुख प्राप्त कर लेंगे। रोग कर्ज जीवन में धन संपदा की जो परेशानी चल रही है किसी न किसी स्वरूप में प्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरे जीवन में भी परिवर्तनी एकादशी से परिवर्तन आए तो निश्चित रूप से कर लीजिएगा। कैसे करें ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। तुलसी के ही अधिकतर उपाय हैं जो आपके काम के रहेंगे तो सुनते हुए पूरा जाइएगा। तो तुलसी आपको लेनी है 11 प्रथम उपाय को करने के लिए। अब तुलसी नई नहीं है तो शिव जो है माँ जो श्रीहरि नारायण है उनके मंदिर में चढ़ी हुई या आपने पहले से तुलसी चढ़ाई हुई है तो आप उन तुलसी के पत्तों को ले लीजिए। अब इसमें संख्या कितनी है, 11 तुलसी की पत्तियाँ लेनी है। किसी कारण से 11 नहीं मिल पाती हैं कोई दिक्कत नहीं, कम भी चलेंगी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है भगवान जी द्वारा प्रदत्त है आप उन्हें प्राप्त कर लीजिएगा। किसी कारण से तुलसी नहीं मिल पाती है तो तुलसी में से झड़ी हुई जो तुलसी की पत्तियां होती हैं जो कि प्रभु को हर स्वरूप में तुलसी मान्य है, तुलसी की लकड़ी हो, तुलसी की पत्ती हो, तुलसी की मिट्टी हो, तुलसी की माला हो, हर स्वरूप में प्रभु को सुख देती है, तो तुलसी के झड़े हुए पत्ते भी आप काम में ले सकते हैं। तुलसी कभी बासी नहीं होती है तो 11 या उससे कम जितने भी आपको पत्ते प्राप्त हो जाए तुलसी के पत्ते ले लेने हैं। गोल बत्ते का घी का दीपक और आपको ले लेना है हल्दी। हल्दी हमेशा पिसी हुई हल्दी लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा आपको मिला लेना है गंगा जल। इस कार्य को करते हुए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इन दिनों बहुत सुंदर दिन चल रहे हैं, आप जानते होंगे श्री नारायण के दिन है और महालक्ष्मी व्रत चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में यह उपाय तो सोने में सुहागे के स्वरूप में है। तो आपके घर पर विराजमान जो श्री नारायण का जो मूर्ति प्रतिमा है विग्रह स्वरूप है या जो विशेष तौर पर मूर्ति प्रतिमा लड्डू गोपाल की है, सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, एक शंख में थोड़ा कच्चा दूध भरना है और उससे जो है थोड़ा तुलसी पत्र डालकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को कहा जाता है एकादशी व्रत के दिन शंख जो से जो स्नान करा लेता है अपने इस्कॉन इत्यादि मंदिर में देखा होगा परम सुख मिलता है। उसके बाद आपको गोलबत्ती का घी का दीपक लगाना है। किसी कारण से शंख में दूध भरकर नहीं करा पाए हैं कोई दिक्कत नहीं, फिर भी इस उपाय को कर सकते हैं। गोल बत्ती का घी का दीपक लगाए तत्पश्चात आप सभी जो है विशेष तौर पर अपनी मनोकामना कहकर जैसे विवाह पुत्र प्राप्ति रोग कर्ज मुक्ति या जो भी आपकी परेशानी है कुल मिलाकर उन सभी के लिए यह कार्य किया जा सकता है। आपने जो तुलसी के पत्ते लिए हैं अच्छी अवस्था में, ध्यान रहे कटे फटे ना हो, अपनी मनोकामना कहकर आप सभी को जो भी दिक्कत है समस्या है कष्ट जो पीड़ा है जो भी दिक्कत है वह कहते हुए हरिहर का ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है, हरिहर का ध्यान करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का भी आपको जाप करना है। अपनी अनामिका उंगली में जितने भी पत्ते हैं उनमें हल्दी आप सभी को लगा देना है। अब अपनी मन की कामना कहते हुए एक प्लेट में या नीचे जमीन पर ही कोई पटा रखा हुआ है जिसमें कपड़ा बिछाया है या जिस तरह से भी आप भोग लगाते हैं उस भोग के स्वरूप में आपको यह तुलसी के पत्ते में चंदन लगाकर एक बिंदी लगाते जाइए और अपनी मन की कामना कहकर आप श्री नारायण के चरणों में इसे समर्पित कर लीजिए। वह भोग स्वरूप इसे ग्रहण कर लेंगे तो बाद में आप चाहें तो इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो किसी पवित्र स्थान पर इसे विसर्जित कर सकते हैं या तुलसी मैया या किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं। निश्चित रूप से आपको यह तुलसी का उपाय बहुत अधिक सुख देगा। रोग कर्ज जीवन में दुख दरिद्रता चल रही है, सबसे अधिक श्रीहरि नारायण जो प्रसन्न होते हैं वह तुलसी के विशेष भोग से ही प्रसन्न होते हैं। भले ही आप 56 भोग बना लें परंतु तुलसी पत्र उसमें नहीं है तो प्रभु उसे स्वीकार्य नहीं करते। तो कोई सरल उपाय है, कठिन नहीं है, पैसा समय नहीं लगना और कहीं जाना भी नहीं है, तो घर पर ही करके देखिएगा लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरे सरल उपाय की तरफ। आप सभी हमारी टीम के द्वारा जो विशेष पंडित जी हैं उनसे अपनी कुंडली विश्लेषण कुंडली बनाना या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है हमारी टीम का, उसमें नंबर है, आप उसमें बात कर सकते हैं। कोई अन्य जो है ज्योतिष से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो उसे भी प्राप्त आप ब्राह्मण दक्षिणा देकर कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की
तरफ। उससे पहले आपसे अनुरोध है, कमेंट्स में हरिहर का स्मरण कर दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय गुरुजी ने मंदिर कहा है, अगर आपसे संभव हो तो श्री नारायण का मंदिर जहाँ हो वहाँ कर लीजिएगा। किसी कारण से श्री नारायण का मंदिर नहीं है, घर पर आपके लड्डू गोपाल विराजमान है, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। आप सभी को एक जो है विशेष तौर पर जल का लोटा लेना है, उसमें भर लेना है गंगा जल। किसी कारण से गंगा जल नहीं है तो जल के लोटे में थोड़ा गंगा जल मिलाकर वह गंगा जल ही हो जाता है, या गंगा जल भी डाल सकते हैं जल के लोटे में। गुरुजी कहते हैं अपनी मनोकामना कहकर आप सभी विशेष तौर पर 11 तुलसी के पत्ते गंगा जल के लोटे में डालकर श्री नारायण के समक्ष आप सभी को अपनी मनोकामना कहकर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा जितना हो आपको रख देना है। ध्यान रहे इस कार्य में 11 तुलसी के पत्ते होंगे, गंगा जल का लोटा होगा और उसमें आपको समर्पित करना है श्री नारायण के मंदिर में। कोई भी विग्रह स्वरूप हो, कृष्णा हो, राधा कृष्णा हो, राम हो, उनके मंदिर में आप सभी को इसे रखकर आ जाना है। कुछ देर वहाँ बैठना है, मन की कामना कहनी है, घर पर भी कर सकते हैं। फिर आपको इसे अपनी मनोकामना कहते हुए किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। यह उपाय कई भक्तजनों ने किया होगा और लाभ प्राप्ति किया होगा। तो 2 तुलसी के उपाय बताए। तीसरा स्वधा उपाय आपने बहुत बार सुना होगा, एकादशी की पावन पवित्र तिथि है तो स्वधा का स्मरण कैसे नहीं किया जा सकता। यह तो दिव्य प्रयोग है। घर पर विराजमान शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में विराजमान शिवलिंग है, वहाँ जाकर सामान्य सरल तरीके से एक जल का लोटा लीजिए अपने मटके से, एक गोलबत्ती का घी का दीपक लीजिए। शिवलिंग पर जल तो चढ़ाते ही होंगे, गुरु जी कहते हैं एकादशी के दिन स्वधा 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 3 बार बोलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए, दीप लगाया जाए, तो पितृदोष खत्म होता है। और स्वधा स्रोत का अगर आप पाठ कर सकते हैं घर पर या महादेव के मंदिर में, तो पितरों का ताड़न हो जाता है, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है, जीवन में आने वाली विपत्ति भी दूर होती है। तो क्यों ना 1-2 उपाय तो कर लिए जाएं, चलते फिरते ही यह उपाय होते हैं, कोई कठिन इनमें नियम तो है नहीं। तो हमने बात कर ली 3 सरल उपाय की। चौथा, शनिवार की पावन पवित्र तिथि है, इससे पहले मैंने काले तिल का उपाय बताया है, कृपया वह वीडियो बहुत सरल है, उसे आप कर सकते हैं, उसे ज़रूर से देखिएगा। काले तिल की महत्वता शनिवार के दिन जितनी कही जाए उतना कम है, करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से आपको होगा। आपको बताते हुए चलूँ, आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन कोशिश करनी है पीपल वृक्ष की जड़ में दीप लगाना है, शमी वृक्ष की जड़ में केला और साथ के साथ तुलसी, आंवला, और जो है महादेव और श्री नारायण के मंदिर में कोशिश करें। इन स्थानों में से कुछ स्थानों पर जाकर भी आप दीप दान करते हैं तो लाभ निश्चित रूप से होता है। किसी कारण से इन स्थानों पर नहीं कर सकते हैं तो घर के दरवाजे पर देवी लक्ष्मी का आगमन हो ऐसी प्रार्थना करते हुए घर की तुलसी मैया के समक्ष, रसोई में और अपने घर के मंदिर में भी कर लेते हैं तो भी इसे पर्याप्त माना जाएगा। करके देखिएगा, लाभ होगा। शनिवार एकादशी है तो इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा काली वस्तुओं का दान करें, काले तिल, बैंगन, काले वस्त्र और ज़्यादा से ज़्यादा सरसों के तेल, तिल्ली का तेल, इन चीज़ों का दान करें। भूलकर भी किसी भी अवस्था आप जो है लोहा लक्कड़ खरीदने से बचें। इन नियमों का जिसने पालन कर लिया, समझ लीजिए सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया। साथ ही संभव हो तो गणेश जी महाराज के लिए दुर्वा की माला बनाने का प्रबंध करें। कुछ ही दिन बचे हैं गणेश विसर्जन में, अनंत चतुर्दश आने में, तो उससे पहले गणेश जी के लिए दुर्वा की माला व्यवस्था करें। 108 दुर्वा आप गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं। श्री नारायण के लिए आप तुलसी की माला या विशेष तौर पर तुलसी की मंजरी की माला बना सकते हैं। महादेव के लिए इस दिन आप बेलपत्र की माला बना देते हैं तो कहना ही क्या, यह तो भाग्य को प्रबल करने वाले कार्य कहे गए हैं। इस तरह से यह जानकारी थी, वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री गणेश जी महाराज लिखना ना।